नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर वीके शर्मा ऑफिशियल चैनल पर। आज हम शुरू करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। शुरू करने से पहले, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। और शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए, द बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय यूनेस्को इन 1971। ये डेट आप याद रखिएगा। अंडर द एजिस ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम टू प्रोवाइड ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्विंग नेचुरल कम्युनिटीज़। तो यहाँ पर ये बोलता है कि बायोस्फीयर रिजर्व जो प्रोग्राम है ये शुरू किया है यूनेस्को ने 1971 में, किसके अंडर, मैन एंड बायोस्फीयर, जिसको इन शॉर्ट मैप प्रोग्राम भी बोलते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व शुरू किया क्यों गया था, तो ये प्रोग्राम शुरू किया गया था टू प्रोवाइड ग्लोबल नेटवर्क, मतलब कि जो भी हमारे वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, प्लांट्स, नेचुरल कम्युनिटीज़ हैं उनको कंजर्व करने के लिए। अगर हम डेफिनेशन देखें बायोस्फीयर रिजर्व की, तो बायोस्फीयर रिजर्व आर द प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड वाइड हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व बना था वो था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो बना था 1986 में। अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो अभी इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। 18 में से जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो आते हैं वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर, जो यूनेस्को ने स्टार्ट किया था। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कब स्टार्ट किया था, 1971 में। अगर हम बात करें लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व एरिया वाइज इन इंडिया, तो वो है रण ऑफ कच्छ इन गुजरात। और स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है दिब्रू सैकोवा, ये पड़ता है असम में। बायोस्फीयर रिजर्व जो एरिया होता है इसको मेनली तीन जोन में डिवाइड किया जाता है। पहले आती है ट्रांजिशन जोन, सेकंड आती है बफर जोन और थर्ड आती है कोर जोन। जो ट्रांजिशन जोन होती है वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट और क्रॉप कल्टीवेशन अलाउ की जाती है। सेकंड जो आती है वो होती है फॉर टूरिज्म और ग्रेजिंग ऑफ एनिमल। और थर्ड जोन होती है वहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं की जाती। तो आइए पढ़ते हैं 18 जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनके बारे में। ये मेनली मैप बेस्ड होंगे ताकि हमें रिमेंबर करने के लिए इजी हो जाए। तो शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है कोल्ड डेजर्ट। नेक्स्ट उत्तराखंड में नंदा देवी। अगर हम सिक्किम जाएं तो सिक्किम में कंचनजुंगा। अगर हम अरुणाचल प्रदेश देखें तो यहाँ पर दिहांग दिबांग। उसके बाद असम में दिब्रू सैकोवा, मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि दिब्रू सैकोवा सबसे स्मॉलेस्ट है, तो आपको याद रखना है जो स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पड़ता है, असम में। नेक्स्ट है मानस। उसके बाद मेघालय में नोकरेक, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन। यहाँ पर आप उड़ीसा में देखें तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ अगर हम आंध्र प्रदेश में देखें तो शेषाचलम। नीचे यहाँ पर तमिलनाडु में देखें तो एक गल्फ ऑफ मन्नार। और तमिलनाडु और केरला के जो बॉर्डर पड़ता है इसको बोलते हैं अगस्त्यमलाई। यहाँ पर नीलगिरी जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व था हमारा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखें तो मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी, अचानक मार, अमरकंटक और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सबसे लार्जेस्ट मैंने आपको बताया था रण ऑफ कच्छ, जो पड़ता है गुजरात में। और यहाँ पर एक अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ पर भी निकोबार, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व पड़ता है। मैंने आपको स्टार्टिंग की स्लाइड में बताया था कि 18 में से जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो रिकॉग्नाइज करता है यूनेस्को अंडर द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व जो आते हैं वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, इसको हम इन शॉर्ट में मैप भी बोलते हैं। इसको स्टार्ट किया था 1971 में किसने, यूनेस्को ने। देखिए इसमें पहला हमारा आता है नंदा देवी, फिर कंचनजुंगा, फिर नोकरेक, सुंदरबन, सिमलीपाल, नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, अगस्त्यमलाई, यहाँ पर ग्रेट निकोबार,
यहाँ पन्ना, यहाँ पर पंचमढ़ी और अचानक मार अमरकंटक, ये 12 जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये आते हैं अंडर द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।